अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शहबाज दुरानी आरबीएस के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट है कि मतलब जब से ये नोटिफिकेशन आया कि आप अपने ड्यूज जमा करवाएं, फर्स्ट बैलेटिंग वाले भी और सेकंड बैलेटिंग वाले भी, ठीक है। इस नोटिफिकेशन के आने के बाद बहुत से क्लाइंट्स हमारे जो परेशान हो गए हैं, वो ये सोच रहे हैं कि यार ये हमें टाइम ज्यादा मिलना चाहिए था, सेकंड वालों को क्यों कह दिया। कंपनी व्यूअर्स जो है ना, वो बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेती है, क्योंकि आप इस चीज को मद्देनजर रखें कि अगर आपके लाखों या करोड़ों इन्वेस्ट हुए हैं कईयों के, तो कंपनी के अरबों रुपया इस पे इन्वेस्ट हुआ है। कंपनी को ज्यादा फिक्र है इस प्रोजेक्ट की और वो डिसीजन लेते हैं, वो चाहते हैं कि जो एंड यूजर है ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उसको मिल सके, ठीक है। वो लोग जिन लोगों ने कुछ खराबी पैदा करनी है, जिन लोगों ने मतलब चीजें बहुत ज्यादा लेकर बाद में सेल आउट कर देनी है, उन लोगों के लिए मतलब है कि एक चीज, एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि अब वो लोग जो है वो फिल्टर हो जाएं और बेनिफिट एंड यूजर को मिल जाए, ठीक है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें, किसी भी सूरत पैनिक ना हो, और मतलब अपने ये आपके कीमती प्लॉट है, आप लोगों ने इनके पीछे काफी टाइम आपने मतलब इनको अपने पास रखा है, और मजीद जो है वो थोड़ा सा टाइम हो रहा है, 3 से 4 महीने में बहुत सी चीजें स्ट्रीमलाइन होने वाली हैं, बहुत सी डेवलपमेंट होने वाली है, बहुत सी पॉजिटिव चीजें आपके सामने आ जाएंगी हर लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से और पोजेशन के लिहाज से बहुत सी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है, उस चीज को इग्नोर करके पैनिक हो के अपनी चीजें मार्केट में मत सेल कीजिएगा। कोशिश करें कि कोई मतलब सिचुएशन ऐसी बने कि आप इनको पे करके मतलब है कि सेव कर लें, ठीक है। और किसी भी सूरत पैनिक ना होइएगा, और इस चीज को समझें, और क्या उसे कहते हैं, बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो डिफरेंट सोसाइटी से तलक रखते होंगे, वो आप लोगों को कहेंगे कि यार आप इसको सेल आउट कर दें, आपने उनकी बातों में नहीं आना, ठीक है। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए हमारे आरबीएस के दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। मुझे टाइम देने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।